जब वैल्यू फॉर मनी की बात आती है तो टोयोटा वालों ने तो बिल्कुल एक बेंचमार्क ही सेट कर दिया है। हाई राइडर का बेस मॉडल इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ना कि अगर इसको अवार्ड देना हो वैल्यू फॉर मनी व्हीकल ऑफ द ईयर तो अभी नहीं बताऊंगा, वो हम इंडियन व्हीकल अवार्ड्स में बताएंगे कि किसको मिलेगा, बट डेफिनेटली उसके लिए बहुत अच्छी नॉमिनेशन यहाँ पर साबित होती है। अब इस वेरिएंट को मैं वैल्यू फॉर मनी मॉडल क्यों बोलता हूँ, दिस इज़ द बेस मॉडल ऑफ द हाई राइडर, दिस इज द प्राइस ऑफ 10.48 लाख ओनली, दिस हैज़ मैनी फीचर्स जो कि आपको कई बार किसी के टॉप मॉडल या मिडल मॉडल्स में भी नहीं मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको प्राइस ही काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बिकॉज अगर हम इसे क्रेटा सेल्टोस के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम प्राइस है, कोई फ़र्क नहीं, वो भी 10.49 लाख के एक शोरूम प्राइस पर आती है और ये भी आपको 10.48 लाख के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाती है। नाउ दिस हैज़ अ 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 1.5 PS एंड 137 Nm ऑफ टॉर्क, ये एक अच्छा खासा पावर जो है उसे जनरेट करता है। इंटीरियर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में सब कुछ वही बताने वाला हूँ कि कौन से फीचर्स हैं, क्यों लेना चाहिए, ग्रैंड विटारा से कैसे अलग है, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज़ डिफरेंट। कैसे अलग है वो वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता लग जाएगा, और कहाँ से लेनी चाहिए सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। जब आप हाई राइडर बेस मॉडल का फ्रंट देखते हो तो आपको जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है। एलईडी ही आपको डीआरएल्स मिलेंगे, एलईडी ही आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, क्रोम की फिनिशिंग, टोयोटा का बैज, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, सेम ग्रे आपको स्किड प्लेट मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको हैलोजन मिल रहे हैं, टॉप वेरियंट्स में आपको एलईडी मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही फ़र्क है, बिकॉज फॉग लैम्प्स तो ना बेस में आते ना टॉप में आते, बिकॉज इनकी पोजिशनिंग थोड़ी सी नीचे है ओवरऑल गाड़ी का कंपेरेटिवली, तो इसलिए फॉग लैम्प्स की रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है, और साथ में आपको वैसी ही ग्रिल मिलेगी जैसे कि टॉप मॉडल में मिलती है, तो ओवरऑल गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो आपको पसंद आने वाला है। और टॉप मॉडल और इसमें दो फर्क जो है जो नोटिसेबल रहते हैं, वो एक एलईडी लाइट्स और 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो कि यहां मिसिंग है ऑफकोर्स, तो फ्रंट आपको काफी प्यारा लगने वाला है, एलईडी डीआरएल्स मुझे इसके काफी अच्छे लगते हैं। मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल, यहां पर आपको 17 इंचेस के ही स्टील व्हील्स मिल जाते हैं विद व्हील कवर, अभी यहां पर नहीं है बट कि व्हील कवर अगर बूट में पड़ा हुआ तो आपको दिखा दूंगा, तो व्हील कवर के साथ मिलता है, ऐसे खाली नहीं मिलेंगे तो उसकी फुटेज कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं। इस तरफ आपको मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग मिलेगी एसयूवी लुक देने के लिए, और उसके साथ साथ साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ओआरवीएम के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर ही आपको ओआरवीएम मिलेंगे, और ये सिल्वर फिनिश मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस है बेस लो टॉप लो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं है बिकॉज टायर साइज़ में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मेरी पर्सनल फेवरेट, द कीलेस एंट्री, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, एंड ऑफकोर्स आपको ड्राइवर साइड पे भी मिलता है इन द बेस मॉडल इटसेल्फ। कीज़ की बात करें तो कुछ इस तरीके की कीज़ है, बात वही आ जाती है कि चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, किस तरह का कोई कीज़ में फ़र्क नहीं है, टोयोटा का बैज, लॉक अनलॉक का फंक्शन सेम ही आपको ग्रैंड विटारा में मिलेगी, बस यहाँ पर सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स ऑफकोर्स मिसिंग है, पर ठीक है इस वेरियंट के हिसाब से आई थिंक मुझे लगता है कि इस प्राइस के हिसाब से इतना बड़ा कोई मेजर मिसिंग फीचर नहीं है। क्रोम की स्ट्रिप आपको यहाँ पर टॉप वेरियंट्स में मिल जाती है, जी वेरियंट में भी अवेलेबल है, इसमें आपको नहीं मिलेगी, बट इट्स ओके, वुडंट रियली मैटर, उतना तो बाहर से भी लगवाया जा सकता है बिकॉज जिस प्राइस पर ही आती है इट्स अ रियली रियली कैपेबल व्हीकल। अब इस व्हीकल की खास बात यह है कि बेस मॉडल में भी सेफ्टी को बहुत ध्यान दिया गया, ऑल फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाती हैं, वो भी वेंटिलेटेड, इतना ही नहीं ABS EBD तो है, ड्यूल एयरबैग्स हैं, हिल होल्ड भी आपको बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है, और प्लस 4-star सेफ्टी रेटिंग इसके प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी मिली हुई है जो कि ब्रेजा के टाइम पे टेस्टिंग हुई थी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म को। अब हो सकता है कि इसके बेस वेरिएंट ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट जो है उसको 5-star भी मिल सके बिकॉज बेस मॉडल में ज़्यादा फीचर्स हैं, बेटर सेफ्टी आपको मिल जाती है। रियर में आपको LED टेल लैम्प्स वही बेस से टॉप एक जैसे ही मिलेंगे, दिखने में कोई फर्क नहीं है, लुक्स रियली रियली प्रीमियम एंड कूल गुड, मुझे पर्सनली इसके टेल लैम्प्स ग्रैंड विटारा से थोड़े से बेटर लगते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो सेम LED आपको बल्ब में मिल जाएगा, आपको टर्न इंडिकेटर बल्ब में ही आपको मिलेगी, रिवर्स लाइट, और ये रहा इसका रिफ्लेक्टर। अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग, यहाँ पर ऑफकोर्स कैमरा नहीं है जो कि आपको लगवाना पड़े, और साथ में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एज स्टैंडर्ड 4 मिल जाते हैं जो कि आपकी गाड़ी को ज्यादा सेफ रखेंगे, आपकी ड्राइविंग को काफी ज्यादा इजी भी बना देते हैं। इस तरफ आपको नियो ड्राइव और ई वेरिएंट की बैजिंग जो है वो ऑफर की जाती है। अब आपको बताना चाहूँगा इसमें फीचर्स कौन से मिलते हैं, डिफॉगर एज स्टैंडर्ड मिलेंगे यानी कि बेस मॉडल से मिसिंग है, तो वाइपर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको इस तरफ मिल जाता है इसका पूरा हाई स्टॉप लैंप। शार्क फिन एंटीना भी आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक
वाइपर और वॉशर की कमी जो है वो महसूस होगी इन द बेस मॉडल। अब देखते हैं इसकी बूट स्पेस। बूट स्पेस आपको जो है इसकी व्हील कवर भी मिल गए हमें, वेरी गुड। मैं कवर नहीं खोलूंगा बिकॉज किसी की ऑफकोर्स ये गाड़ी है, डिलीवरी होनी है, तो अच्छे खासे डिज़ाइन के आपको व्हील कवर भी देखने को मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस आपको 377 लीटर्स की बूट स्पेस है। आई नो कॉम्पिटिशन का कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, बट अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। 17 इंचज़ का स्टील व्हील आपको यहाँ पर स्पेयर टायर में मिल जाएगा। स्टोरेज लेफ्ट और राइट साइड दोनों है, अंदर भी आप यहाँ पर काफ़ी सामान रख सकते हो। और उसके साथ साथ आपको मिल जाता है एक हुक इस तरफ। इस तरफ आपको कुछ नहीं है बिकॉज टॉप वेरियंट्स में आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिलती है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, जो कि इस वाले में अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। इस तरफ आपको हुक मिल जाता है जिसमें आप आराम से अपने बैग्स वगैरह हैंग कर सकते हो। अब इस वेरियंट में आपको एक और चीज़ मिसिंग लग रही होगी, द पार्सल ट्रे, वो भी आप आराम से इसकी अलग से लगवा सकते हो। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1700 के आसपास इसकी पार्सल ट्रे आपको कॉस्ट करेगी अगर आप डीलरशिप से लगवाते हो तो, बट लगवा ज़रूर लेना, काफ़ी अच्छा फीचर होता है, मतलब यूटिलिटी वाली चीज़ है एक। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, सारे फीचर्स बताऊंगा तो काफ़ी अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए अब बेस मॉडल के इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप से शुरू करते हैं। ये आपको बेस मॉडल से मिलने लग जाता है, ये एक कमाल का फीचर मुझे लगता है। अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये तो काफ़ी गाड़ियों के टॉप मॉडल में भी नहीं होता। और उसके साथ साथ आपको 4.2 इंच की एक MID भी मिल जाती है जो कि कलर डिस्प्ले है, लुक्स रियली रियली गुड। आई रियली होप इसमें अगर 7 इंच की डिजिटल क्लस्टर होती तो अच्छा लगता, पर ये बेस मॉडल है यार क्या बात कर रहा हूँ मैं। बेस मॉडल में आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो मिल रहे हैं। राइट साइड पर आपको दिखाना चाहूँगा तो आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ORVM फोल्ड करने की ऑप्शन मिल जाती है, पावर विंडोज़ और लॉक के सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको ऑप्शन मिल जाती है, क्रोम ही आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, सिल्वर फिनिशिंग भी ऑफर की जाती है, बड़ी बॉटल 1 लीटर की आराम से स्टोर कर सकते हो, तो जिस तरह मर्जी की बॉटल जो है वो यहाँ आपकी आराम से आ जाएगी, साथ में नैपकिनस चखना जो रखना रखे, बट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके। चलो यहाँ पर बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें डेड पैडल आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है, तो आपकी जो ड्राइव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाती हैं। आपको अच्छे खासी जो है वो यू नो डेड पैडल का साइज़ भी मिल जाता है, विच मीन्स कम्फर्टेबल राइड्स, चाहे लॉन्ग राइड्स हों चाहे छोटी राइड्स हों, आपको एक बढ़िया राइड जो है वो मिल जाएगी। अब हाई राइडर का बेस वेरियंट, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन की ऑप्शन मिल जाती है, आप यहाँ लगवा सकते हो। म्यूजिक सिस्टम छोटा लगवाना चाहो वो भी ऑप्शन है, स्क्रीन लगवाना चाहो वो भी ऑप्शन है, बड़ी स्क्रीन लगवाना चाहो वो भी ऑप्शन है, लेकिन अभी आपको यहाँ खाली मिलेगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं फ्रॉम द बेस मॉडल। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारे फंक्शन आपको बेस मॉडल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ रियली रियली गुड। की आपको एक बार फिर से दिखा दें तो आपको काफ़ी अच्छा जो आइडिया है वो हो जाएगा। लॉक अनलॉक और टोयोटा का लोगो भी आपको मिल जाएगा। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स हैं, वाइपर कंट्रोल्स इस तरफ, हेडलाइट कंट्रोल्स इस तरफ, और उसके साथ साथ आपको मैनुअल ही आपको IRVM मिल जाता है। हेलोजन आपको यहाँ पर लाइट्स मिलेंगी, ऑफकोर्स सनरूफ का किस तरह का कंट्रोल या सनग्लास होल्डर नहीं है बेस मॉडल में, बट और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, अच्छी खासी ग्लव बॉक्स की स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी आप अपना फ़ोन जो है उसे रख पाएंगे, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आपके लिए लिस्ट लगाया तो उसके सारे फीचर्स की जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। अब तक आपको वैनिटी मिरर दिखाया था जिसमें आपको लाइट नहीं मिलती, सिर्फ मिरर मिलता है। इसका ऊपर वाला मॉडल लोगे तो आपको लाइट भी मिलनी शुरू हो जाएगी, इधर भी आपको सिर्फ मिरर है, बट आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन फॉर द बेस मॉडल। एटलीस्ट दोनों तरफ आपको शीशे तो दिए गए हैं मेकअप सेट करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए आपके पास दोनों तरफ प्रॉपर मिरर्स अवेलेबल हैं। अब हाई राइडर के रियर सीट में भी आपको कम्प्लीटली अच्छे वाले जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, चाहे बेस मॉडल ही क्यों ना लो। अब यहाँ पर कंफर्ट के लिए रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट्स हैं, साथ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं, और कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए आपको ऑफर किया जाता है यहाँ पर ये आर्मरेस्ट भी। आर्मरेस्ट को आई थिंक अभी लॉक लगाया गया है उसके पीछे, तो यहाँ पर कप होल्डर्स भी हैं, लेट मी शो यू वंस। आपको इस तरफ इसका कप होल्डर और आर्मरेस्ट भी ऑफर की जाती है फॉर योर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। साथ में लाइट्स हैं बेस मॉडल से ही, आपको पीछे भी रीडिंग लैंप्स ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। हालांकि ये हेलोजन है, LEDs होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि टॉप मॉडल में भी आपको हेलोजन ही मिलती है, तो थोड़ी सी निराशा तो यहाँ पर होती है। रियर साइड में आपको AC वेंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी कंफर्टेबल फीचर जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बेस मॉडल से ही ये मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टोरेज ऑप्शन, USB पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते हैं बिकॉज वो ऊपर वाले वेरियंट्स में, बट मुझे लगता है कि जिस तरह के फीचर्स आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में मिलने लग जाते हैं और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। यूजुअली कार्स में रियर साइड पे आपको
कंप्लीट प्लास्टिक आर्मरेस्ट मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपनी आर्म रखना चाहोगे, एल्बो रखना चाहोगे, तो आपको कुशन्ड फैब्रिक जो है वो ऑप्शन मिल जाती है ब्लैक कलर की। बाकी ऑफ कोर्स पावर विंडोज, क्रोम फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल्स एंड सिल्वर फिनिशिंग अबव इट, वो तो आपको मिलेगी विद स्टोरेज एज वेल। अब ग्रैंड विटारा के कंपैरेटिवली सिर्फ 3000 रुपीज़ के एक शोरूम का फ़र्क है, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा वारंटी, बेटर सर्विसिंग, ये सब आपको ऑफर किया जाता है। और मेरे हिसाब से जितना अभी तक हमें पता लगा कि वेटिंग पीरियड भी यहाँ पर कम है, यानी कि ग्रैंड विटारा के कंपैरेटिवली टोयोटा हाईराइडर के बेस मॉडल की वेटिंग पीरियड कम है। लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से शोरूम, कौन से स्टेट, कौन सी सिटी से आप ले रहे हो। अगर तो आप जलंधर से हो तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर ले, जलंधर के आसपास वाले एरियाज़ पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको टोयोटा हाईराइडर कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएगी। बाकी अवेलेबिलिटी पर बहुत चेकआउट करना ज़रूरी है, बहुत सारे पीसेस आ रहे हैं साथ के साथ निकल रहे हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इस हाई राइडर को लेना, तो मुझे पर्सनली बेस मॉडल में लगता है कि हाई राइडर एक बेटर ऑप्शन है। दो तीन रीजंस: वारंटी, सर्विस और थोड़े से लुक्स, और इसका ब्लैक कलर। लेट मी शो यू द ब्लैक कलर। अब मुझे पर्सनली ये ब्लैक कलर इतना प्यारा लग रहा है ना इस टाइम पे, और ये बेस मॉडल से अवेलेबल है, दिस लुक्स रियली रियली गुड। हालांकि ये टॉप मॉडल माइल्ड हाइब्रिड वाला है, बट ऑफ कोर्स देखो फ्रंट में दिखने में कोई फ़र्क तो है नहीं, तो बेस मॉडल भी आपका कुछ ऐसा ही लगेगा अगर आप टोयोटा हाईराइडर का बेस ई मॉडल पर प्रेफर करते हैं, परचेज करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास अर्बन क्रूजर हाईराइडर के बहुत सारे वेरियंट्स हैं, ये है और भी बहुत सारे, हमने सारे वेरियंट्स की प्रॉपर लिस्ट आउट वीडियोज़ बनाई हैं, उसे चेकआउट ज़रूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाईराइडर परचेज करना चाहते हैं जलंधर से इस नंबर पर कॉल कर लें, सब्सक्राइब करें इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।